हेलो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपन बात करेंगे जो ECC इंटरनेशनल T10 का आज के दिन का दूसरा मैच होगा, जो खेला जाएगा पोर्तुगाल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इन दोनों टीमों के बीच में एक मैच ऑलरेडी हो चुका है, तो उस मैच में कौन से प्लेयर ने कैसा परफॉर्मेंस किया था वो भी आपको बताऊँगा। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको बैटिंग ऑर्डर, न्यू प्लेयर्स के स्टैट्स और फाइनल टीम्स मिलती हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं इस मैच के बारे में। 5 बजे मैच स्टार्ट होगा, सेम ग्राउंड पर मैच होगा। बैलेंस सरफेस है, एवरेज स्कोर 90 से 110। अब तक 10 मैचेस हो चुके हैं, 5 जीते हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 5 मैचेस हुआ है। अब देखो, जो इन दोनों टीमों के बीच में एक मैच हुआ था ना, वो जीता था ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, जीता था 5 विकेट से, कंफर्टेबली जीत गई थी इनकी टीम। और उस मैच में पुर्तगाल की तरफ से सिर्फ एक बंदा चला था, एप स्टोमन, जिसने 64 रन की पारी खेली थी, और ये बंदा गजब की फॉर्म में। मुबीन तारिक 7 रन 3 विकेट, मधुकर थापा 1 विकेट, MD सिरार निप्पो 1 विकेट। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अहसान यूसुफ ने 46 रन 2 विकेट निकाले, इमाक सिमसन पार्कर ने 17 रन किए, जावेद जाजरा ने 16 रन 1 विकेट था, उत्मन जाय के नाम 10 रन थे, दीदार के नाम 3 विकेट थे और आकिब इकबाल के नाम 2 विकेट थे। तो यहाँ से देखो, पहली बात तो क्लियर होगी भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मैच जीता, और कौन कौन से ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने उस मैच में अच्छा किया वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब बात कर लेते हैं पहले पुर्तगाल की टीम की। पुर्तगाल की जो टीम है ना, 4 में से 2 जीती हैं, 2 हारी हैं। अब देखो, इनकी तरफ से आखिरी जो मैच हुआ था वहाँ पर ओपन किया था इमरान खान और एंथनी चैम्बर्स ने। वैसे इनकी तरफ से ओपन कर रहे थे इमरान खान और राव इमरान को इन्होंने कहना लास्ट मैच खिलाया नहीं था, इसलिए एंथनी चैम्बर्स ने ओपन किया था। इमरान खान देखो भाई हिटर है, आते ही शॉट्स लगाता है, लेकिन देखो इसने ना सिर्फ एक मैच में अच्छा किया है 31, उसके अलावा 3 मैच में फेल है, 0-8-2। 21 मैच में 339 रन, 16 का एवरेज है, 2022 का रिकॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं है, तो अभी छोड़ के चलूँगा। एंथनी चैम्बर्स 12-0-1, इसने भी अब तक कुछ खास किया नहीं है, 22 T10 में 143 रन, सिर्फ 8 का एवरेज है। कॉनराड ग्रीनसील्ड बहुत तगड़ा प्लेयर है भाई, बैटिंग बॉलिंग दोनों कमाल करता है। 4 मैच में इसके नाम विकेट भले ही 1 हो, लेकिन बल्ले से यहाँ पर 41-53-30 है। फ्रेंकोइस स्टोमन तो गजब की फॉर्म में चल रहा है, पहले में 35 नॉट आउट, फिर 0, फिर 67, फिर 64, और यहाँ पर इसने 3 ओवर भी डाले जिसमें 1 विकेट है। मिगल स्टोमन वैसे तो बॉलिंग करवाता है, लेकिन इस सीजन बॉलिंग नहीं मिली, बल्ले से जरूर 32-6 हैं, 2022 के अंदर 11 मैच में 27 रन 6 विकेट है। राणा सरवार पहले वन डाउन खेल रहा था, लेकिन आखिरी मैच में ये बंदा बैटिंग करने आया था नंबर 6 पर, 17-0-2, 20 T10 में 335 रन, 25 का वे 2022 का रिकॉर्ड है। MD सिराज निप्पो बहुत बढ़िया बॉलर हैं, स्पेशली अगर इनकी टीम सेकंड बॉलिंग करती है तो और भी इंपॉर्टेंट है। 3 मैच में 5 विकेट है, करियर में 51 मैच में 53 विकेट है। पार्थ जोंजत विकेट कीपिंग के पॉइंट आपको देगा, 20 मैच में 154 रन भी इसके नाम है। जुनैद खान बहुत तगड़ा बॉलर है, लेकिन इस सीजन 4 मैच में सिर्फ 2 विकेट है, लेकिन ध्यान रखना जुनैद खान तगड़ा बॉलर है, ट्रंप रहेगा, 55 मैच में 48 विकेट है। मुबीन तारिक स्पिनर है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तभी रहेगा जब इनकी टीम सेकंड बॉलिंग करेगी, 4 मैच में इसके नाम 4 विकेट है, 12 मैच में 16 विकेट ही इसका 2022 का रिकॉर्ड है। मधुकर थापा 2 मैच में 1 विकेट है, 25 मैच में 17 विकेट, 2022 का इसका रिकॉर्ड है। अभी के लिए देखो मैं यहाँ से पिक करने वाला हूँ, एंथनी चैम्बर्स को रखूँगा, क्योंकि विकेट बैटिंग सेक्शन में आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, इसलिए आपको पिक करना पड़ेगा, और क्योंकि ये ओपन किया है लास्ट मैच में इसलिए रख रहा हूँ, अगर नीचे खेलेगा तो फिर मैं नहीं रखूँगा। कॉनराड ग्रीनसील्ड को रखूँगा, फ्रेंकोइस स्टोमन को रखूँगा, इसके अलावा नीचे से मैं यहाँ पर MD सिरार निप्पो को रखूँगा, मुबीन तारिक या फिर जुनैद खान, दोनों में से किसी एक को यहाँ पर पिक करूँगा। बाकी बेंच पर इनके जो भी प्लेयर में से कोई खेलेगा उसके स्टैट्स मिल जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग ओवर डालेंगे MD सिरार निप्पो, जुनैद खान, कॉनराड ग्रीनसील्ड, डेथ के ओवर डालेंगे कॉनराड ग्रीनसील्ड, मधुकर थापा, मुबीन तारिक। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम की, इनकी टीम भी 4 में से सिर्फ 1 ही मुकाबला जीती है। इनकी तरफ से लास्ट के 2 मैच से ओपन कर रहे हैं मार्क सिमसन पार्कर और अहसान यूसुफ। मार्क सिमसन पार्कर 24-17-6 अच्छा बैटर है, लेकिन ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस से स्टार्ट्स मिले, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाया बड़ी पारी में। 31 मैच में 475 रन, 25 विकेट इसके नाम है। अहसान यूसुफ भाई एक मैच छोड़ के एक मैच चल रहा है, पहले में 35 से 1 विकेट है, फिर 1 रन, यहाँ बॉलिंग नहीं करवाई, फिर 46 2 विकेट है, फिर 0 रन, यहाँ भी बॉलिंग नहीं करवाई, तो लगातार बॉलिंग नहीं करवा रहा है, फिर भी आप इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि ओपन में आ रहा है अभी। 24 T10 में 233 रन, 11 के एवरेज, 24 विकेट है।
रमजान सिग्गीवाल अच्छा प्लेयर है, 14-23-0-67 नो डाउट, बहुत तगड़े शॉट्स लगाता है ये। जिसन आरिफ ये ट्रंप रहेगा क्योंकि ये भी ना आते ही शॉट्स लगाता है, ध्यान रखना 6, 8 और 3 की पारी है। दो T10 में इसके नाम 22 मैच में 347 रन है। बासिर खान पहले मैच में 2 रन की है, बॉलिंग नहीं मिली थी, दूसरे में 11 रन 2 विकेट थे, वैसे एक मेन बॉलर है मैं आपको बता दूं, 2022 के अंदर 10 मैच में 155 रन 10 विकेट है। सिकंदर हयात 8-5-9 बैटिंग, बॉलिंग बिल्कुल मिल नहीं रही तो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। जावेद जादरान के नाम 4 मैच में 4 विकेट है और बल्ले से भी 12 और 16 नो डाउट है, 38 मैच में 27 विकेट करियर का रिकॉर्ड है। अरसलान आरिफ 0-1-9 बैटिंग है। आकिब इकबाल 4 मैच में इसके नाम 3 विकेट है, बल्ले से यहाँ पर 1-17 की पारी है, 47 T10 में 469 रन 33 विकेट, ये इसका करियर का रिकॉर्ड है। डेनियल एक्स्टन पहले में 3 विकेट, फिर विकेटलेस, फिर विकेटलेस, फिर 1 विकेट, मतलब आपको स्टार्टिंग में बॉलिंग देगा। इतिबर शाह दीदार ये डेथ बॉलर है, 4 मैच में इसके नाम 5 विकेट है, 7 विकेट है सॉरी, इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी के लिए मैं यहाँ से पिक करूँगा मार्क सिम्पसन पार्कर को रख सकते हो आप बिल्कुल, अहसान यूसुफ है, सिग्गीवाल को रखूँगा, बासिर खान को रखूँगा टीम में, जावेद जादरान अच्छा प्लेयर है और नीचे से यहाँ पर आई दीदार बहुत बढ़िया बॉलर है। बाकी बेंच फ्रेंड के जो भी प्लेयर में से कोई खेलता है उसके स्टेट्स मिल जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग ओवर डालेंगे डेनियल एक्स्टन, आकिब इकबाल, डेथ के ओवर डालेंगे बासिर खान, जावेद जादरान और आकिब इकबाल। एनालिसिस वाला जो पार्ट है इस मैच का वो हो चुका है कम्प्लीट, अब यहाँ पर अपन चलते हैं डेमो टीम की। डेमो टीम में भाइयों फिलहाल के लिए मैंने देख सकते हो विकेट कीपिंग सेक्शन से यहाँ पर रखा है पार्थ जोनजत को, मैंने यहाँ पर रखा हुआ है अपनी टीम में विकेट कीपिंग सेक्शन से। बैटिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पर राणा सरवार को रखा है, एंटनी चैम्बर्स को रखा है और सिग्गीवाल को रखा है। और ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने MD सिराज निप्पो, कॉनराड ग्रीनसील्ड को रखा है, अहसान यूसुफ को रखा है और यहाँ से F स्टोमन को रखा है, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन से मैंने मुबीन तारिक, जावेद जादरान और यहाँ से आई दीदार को रखा है। कैप्टन मेरे कॉनराड ग्रीनसील्ड, वॉइस कैप्टन अहसान यूसुफ है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम जो भी होगी इस मैच के आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू भाई, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।